शुरुआत डेफिनेटली पॉजिटिव नोट पर हो सकती है क्योंकि ज्यादातर एशियन मार्केट्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, एसजेएक्स निफ्टी 17-18 अंक ऊपर है, लेकिन सेकंड हाफ ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग काफी क्रूशियल होगी। फ्रांस इलेक्शन से ठीक पहले किस तरह का बिहेवियर रहता है यूरोपियन मार्केट्स का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अच्छे संकेत हैं आज की ओपनिंग से पहले। किरण जाधव हमारे साथ मौजूद है, फटाफट से उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज की रेंज, आज का आउटलुक क्या रहना चाहिए? पहले आज का आउटलुक है ना, वो 9080 को तो हमने दो दिन से पका दिया, अब कल हमने 9120 के ऊपर आके क्लोज करके गए हैं। तो अपना ना स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये थोड़ा अच्छा समय है आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। काफी दिनों बाद ये मौका मिल रहा है, भले 40 पॉइंट का मौका मिल रहा है, लेकिन निफ्टी का अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर लीजिए। ये टिपिकली आज का ही दिन है, उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। 9120 सपोर्ट है, 9180 बाजार के लिए रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने आपको 40 पॉइंट आपको बताए थे। इसलिए 9200 के आसपास मार्केट में हो सकता हाथ बदला हो तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। 92 के ऊपर टिकना बेहद जरूरी है, 9080 का वापस सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। हमने 80 पॉइंट हटा दिए, ऊपर ले आए हम, पहले हम 9000 का सपोर्ट बता रहे थे दो दिन के रुकने के बाद। चला दो दिन से बैंक निफ्टी में कुछ अलग ही कामकाज हो रहा है, निफ्टी के साथ नहीं जुड़ रहा। शायद निफ्टी का साथ दे देता तो 9200 भी आ जाता, 21450 आज फिर से बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, 21750 मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। कॉल पुट में काम करने के लिए 9000 और 9200 की कॉल पुट ज़्यादा बेहतर है। 9000 की पुट अगर आप लेना चाहते हैं तो मई की लीजिएगा, अप्रैल की पुट में कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं रहेगा, 11 रुपये की है। इसलिए अब बड़े सौदे बनाने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। कमोडिटी नतीजों वाले शेयर, मेटल्स पूरा हफ्ता टूटे, कल हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए, कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ध्यान रखें। कमोडिटीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि सारे कमोडिटीज शेयर चल रहे हैं, फिर चाहे वो एविएशन हो, शुगर हो, राइस स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, इन सभी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ। और ये एक जी बिजनेस कैश दिन भर की थीम रहेगी भी, इस पर हम बातचीत करेंगे भी आगे भी। लेकिन पहले इंडेक्स पर एक कमेंट ले लेते हैं, किरण जाधव हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। किरण, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले इंडेक्स पर ही अपने कमेंट्स दीजिए, ये पूरा हफ्ता तो एक बहुत ही रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है, लेकिन आज की ओपनिंग से पहले क्यूज इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद बायस पॉजिटिव रहे, उस पॉजिटिव बायस के साथ कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या इंडेक्स पर? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस ही लेने चाहिए। हमने देखा है कि करीबन 9100 पे अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है। परसों भी हमने करीबन इसी लेवल के इर्द-गिर्द निफ्टी को बेस बनाते हुए देखा, और कल के सत्र में बैंक निफ्टी, जैसे डिम्पी जी कह रहे थे, वीकनेस दिखा रहा था, पर फिर भी निफ्टी ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। तो मेरा मानना है कि 9095 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से 9200 तक हम जाते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल होगा 21600 अगर निकलता है तो वो मदद करेगा निफ्टी को और भी बढ़त दिलाने में। तो 21600 पे ध्यान रखना चाहिए। 21600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो मेरा मानना है कि इजीली 750-850 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी पे। तो ये दोनों लेवल्स देख के कामकाज करना चाहिए आज के दिन के लिए। ठीक है। अच्छा किरण, एक बात, आज के कोई शेयर, मैं आपसे पहले शुरुआत में पूछ रहा हूँ, मैं कुछ एक और न्यूज़ तो आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आज का कोई टिपिकली आप कोई शेयर देना चाहेंगे जो कि बाय कॉल हो, या फिर एक्सकॉम को जो पुल बैक खेलना हो, जो मार्केट के अंदर दिख रहा है हमको 40-50 पॉइंट का मिल जाएगा? दीपक फर्टिलाइजर एक काउंटर रहेगा जहां पे आपकी नजर रखनी चाहिए। कल एक बहुत अच्छे मूव देखने को मिली, बहुत अच्छे डिलीवरी मार्किंग भी देखने को मिली, और मेरा मानना है कि जिस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक ने देखा दिलाया है, मुझे लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मर देखने को मिल जाएगा। ये स्टॉक पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा रहा है, उसी के साथ जो स्विंग टॉप था करीबन जनवरी सीरीज में, उसके ऊपर भी हम क्लोजिंग देते सफल आए। तो मेरा मानना है कि ये इससे और भी बढ़ता नजर आएगा। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 274 या 276 का रखना चाहिए, और टारगेट के हम 297-298 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 290s के ऊपर के टारगेट आपको मिल जाएंगे। दीपक फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर अच्छा मूव भी था, आप इस पे ध्यान रखें। एक बार फटाफट से डेरिवेटिव्स का आंकड़ा भी देख लीजिए, एफएनडो के अंदर कल बाजार के अंदर क्या हुआ, क्योंकि अब एक्सपायरी बहुत पास है, इसलिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पहले FIs का कामकाज देखिए कल निफ्टी के अंदर। अभी तक तो ये तय था कि ठीक है, मार्केट ने 9080 को बचा लिया, कल FIs ने उस बीच क्या किया? FIs ने कल कुछ नहीं किया, अगर आप देखना चाहे तो F&O सेगमेंट के अंदर। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी कल कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं थी, 300 करोड़ की, आपको मालूम ही है रोज कम से कम 1000 करोड़ की बाइंग आपको दिखती थी, आज नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी हमने थोड़ी सी सेलिंग ही आती हुई देखी है। तो FIs मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा, कल के सेशन के अंदर तो दुकान थोड़ा रुक गए हैं। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते पहले निफ्टी के फ्यूचर्स देख लीजिए। कल तक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर हमको शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिल गए थे, कल भी हमने आपके सामने रखा था कि शॉर्ट कवरिंग है लेकिन कमजोर है।
उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है कल के सेशन में। ये अभी भी शॉर्ट कवरिंग ही है, इसलिए हम आपको 9200 के ऊपर के लेवल्स अभी नहीं दे पा रहे हैं, ना ही टेक्निकल एनालिस्ट को ये आपको देगा। 28 अंकों की बढ़त कल हमको प्रीमियम पे जोड़ देने दिखे हैं। इट्स अ गुड साइन कि शॉर्ट कवरिंग से कम बाजार अपनी गिरावट को रोक रहा है और थोड़ा ऊपर आना चाहता है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही होता हुआ दिखा, दो दिन से बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, दो दिन से निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग है लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ये चिंता की बात भी है क्योंकि अगर ये साथ दे देता तो आप यकीन मानिए 9200 के ऊपर आते, शॉर्ट कवरिंग जोरदार होती और ट्रैपिंग भी हो सकती थी। फिलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए आज बैंक निफ्टी को भी आप वॉच कर सकते हैं। अब आज ये कॉल पुट पे 9200 की जो कॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ताज़ा खरीदारी है। आज आप पुल बैक का फायदा इस कॉल से ले सकते हैं एक बार, लेकिन अगर आप पुट को लेना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि बाजार थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है आपको, तो एक बार 9000 की जो पुट होगी उसको आप मई कॉन्ट्रैक्ट के लीजिएगा। अप्रैल के अंदर प्रीमियम ज़्यादा बचा नहीं है, 11 रुपये का है, ये खत्म होने वाली है, तो मई कॉन्ट्रैक्ट का आप लीजिएगा जहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। ये करीब करीब 85 रुपये के आसपास की पुट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज जिसमें एफ एंड ओ कर्व है वो शेयर भी लीजिए। ज्यादातर शेयर आज इनफैक्ट 3 शेयर ऐसे आए हैं जो कि एफएंडओ कर्व में आए हैं, उसमें एक तो जैन इरिगेशन है, इंडिया सीमेंट है जो कि एफएंडओ कर्व के अंदर आ गया है, और साथ ही इन्फीबीम कल काफी अच्छा चला, साथ ही आप आईआरबी इंफ्रा के अंदर भी कर्व है, रिलायंस कैपिटल के अंदर कर्व कल जुड़ गया था, और एक और शेयर TV18 ब्रॉडकास्ट, ये भी एफएंडओ कर्व में आ चुका है। जी, तो इन स्टॉक्स पर ध्यान रखें क्योंकि एफएंडओ कर्व में है आज के सेशन में।